So, what's up YouTube? This is Gautam and I am presenting you Wrestling Mania. So, इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के लाइव इवेंट के बारे में जो कि हमें देखने को मिला था मेडिसन स्क्वेयर गार्डन में, और इस वीडियो में हम वो सारे मैचेस के रिजल्ट सरप्राइजेस कवर करेंगे जो कि WWE अपने फैंस को आज के लाइव इवेंट में दिए थे। सो इस वीडियो को पूरा देखे बिना कहीं मत जाइएगा। सो वेट किस बात का, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैच की बात करते हैं जो कि WWE के फैंस को देखने को मिला था इस लाइव इवेंट में, और वो था बैरन कॉर्बन वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन के बीच। हालांकि ब्रॉन स्ट्रोमैन यहाँ पर अपनी अपीयरेंस नहीं करी, जिसके चलते बैरन कॉर्बन ने रेफरी को कहा क्यों ना भैया आप 10 तक काउंट करो और अगर ब्रॉन स्ट्रोमैन नहीं आते हैं तो मुझे फॉरफिट से विन दे दो। लेकिन इसके बाद में रेफरी के काउंट आउट को इंटरप्ट किया जाता है नन अदर देन WWE चेयरमैन ऑफ बोर्ड विंस मैकमैन के थ्रू। इसके बाद में विंस मैकमैन रिंग में आते हैं, तो ये चीज काफी अच्छी दिखाई गई है WWE के थ्रू कि आखिर विंस मैकमैन अब लाइव इवेंट में भी अपनी स्पेशल अपीयरेंस दे रहे हैं। इसके बाद में विंस मैकमैन इंट्रोड्यूस करते हैं बैरन कॉर्बन के रियल अपोनेंट को, और भैया वो होते हैं 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना। तो फाइनली हमें अब यहाँ पर जॉन सीना का रिटर्न भी देखने को मिल गया है, और यहाँ पर जॉन सीना आसानी से हरा देते हैं बैरन कॉर्बन को। इसके बाद में हमें एक बैटल रॉयल देखने को मिलता है जहां पर जो भी विनर होगा उसको फ्यूचर में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का शॉट दिया जाएगा, और इस बैटल रॉयल में जो सुपरस्टार पार्टिसिपेट करते हैं वो होते हैं कॉनर, विक्टर, जैक राइडर, कर्ट हॉकिंस, राइनो, हीट स्लीटर, नोवे जो, टाइसो नील, जिंदर माल एंड अपोलो क्रूज, और लास्ट में अपोलो क्रूज इस बैटल रॉयल को जीत जाते हैं। तो अब अपोलो क्रूज को फ्यूचर में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच भी मिलने वाला है। इसके बाद में हमें वुमेन्स टैग टीम मैच देखने को मिलता है जहां एक साइड होती है साशा बैंक्स एंड बेले, वहीं दूसरी साइड होती है मिकी जेम्स एंड एलिशा फॉक्स, और इस मैच में आसानी से साशा बैंक्स एंड बेले जीत जाती है। इसके बाद में हमें 12 मैन टैग टीम मैच देखने को मिलता है जहां एक साइड होते हैं WWE UK चैंपियन पीटर डूनी, WWE नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन रिकॉर्डे, एलेक्सा ब्लैक्स, मार्क रीडल एंड द व्हाट विल एंड ड्रीम, और दूसरी साइड होते हैं NXT चैंपियन थॉमासो चियम्पा, जॉनी गार्गानो एंड अनडिस्प्यूटेड एरा, NXT चैंपियन रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग एंड काइलो ओरायले। और इस मैच में फेस टीम यानी कि WWE UK चैंपियन पीटर डूनी, WWE नॉर्थ ईस्टर्न अमेरिकन चैंपियन रिकॉर्डे, एलेक्सा ब्लैक्स, मैट रीडल एंड द व्हाट विल एंड ड्रीम की जीत हो जाती है। इसके बाद में हमें एलायंस वर्सेस बॉबी लैशली के बीच में मैच देखने को मिलता है। अब ये मैच होता है गिटार ऑन अ पोल मैच, जहां पर रिंग के साइड का जो पोल होता है उसके ऊपर थोड़े से ऊपर एक गिटार को लगा दिया जाता है, और जो भी पहला सुपरस्टार उस गिटार को क्लाइम कर लेगा वो इस मैच को जीत जाएगा। और फाइनली यहाँ पर इलायस वापस से इस मैच को जीत जाते हैं जब वो गिटार को क्लेम कर लेते हैं। मैच खत्म होने के बाद में इलायस बॉबी लैशली के बैक पर उस गिटार को हिट भी कर देते हैं। तो यहाँ पर WWE ने काफी स्ट्रांग दिखाया इलायस को, जहां पर इलायस ने मंडे नाइट रॉ में 34 स्ट्रीट फाइट भी जीत ली थी, और यहाँ पर गिटार ऑन अ पोल मैच भी जीत लिया। इसके बाद में वापस से वुमेन्स टैग टीम मैच देखने को मिलता है जहां एक साइड होती है नटालिया एंड एम्बर मून, वही दूसरी साइड होती है राइट स्क्वाड की लिम मॉर्गन एंड रूबी राइट, और यहाँ पर नटालिया और एम्बर मून हरा देती है लिम मॉर्गन एंड रूबी राइट को। इसके बाद में एक ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिलता है फिन बैलर वर्सेज ड्रू मैकइंटायर वर्सेज डॉल्फ जिगलर को, और इस मैच में फिन बैलर डॉल्फ जिगलर को पिन कर जीत जाते हैं और हरा देते हैं ड्रू मैकइंटायर एंड डॉल्फ जिगलर को। तो फाइनली WWE अब काफी अच्छे तरीके से फिन बैलर को पुश करी है, जहां पर हमने मंडे नाइट रॉ में देखा था वहां पर भी फिन बैलर ने ट्रिपल थ्रेट मैच जीता था, और यहां पर मेडिसन स्क्वायर गार्डन के लाइव इवेंट में भी फिन बैलर ने इस मैच को जीत लिया। इसके बाद में हमें रॉ टैग टीम चैंपियनशिप के लिए ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिलता है जहां रॉ टैग टीम चैंपियन होते हैं चैड गेबल एंड बॉबी रूड वर्सेस द रिवाइवल्स वर्सेस ऑथर ऑफ पेन्स के बीच, और चैड गेबल और बॉबी रूड अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर जाते हैं रिवाइवल्स को पिन करके। इसके बाद में हमें WWE इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलता है जो कि होता है स्टील केज मैच डीन एम्ब्रोस वर्सेस सेट रॉलिंस के बीच। अब यहां पर सेट रॉलिंस जीतने ही वाले होते हैं जब वो गेट ओपन हो जाता है उनके लिए स्टील केज का, और वो बाहर निकलने वाले होते हैं, लेकिन यहां पर हमें देखने को मिलते हैं बैरन कॉर्बन जो कि जो स्टील केज का जो गेट होता है उसको सेट रॉलिंस के हेड पर मार देते हैं, काफी बुरी तरह मारते हैं, जिसके बाद में डीन एम्ब्रोस सेट रॉलिंस को पिन करके अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर जाते हैं। इसके बाद में शो का मेन इवेंट आता है जो कि होता है WWE रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए, जो डिफेंड करती है रांडा राउजी अपनी चैंपियनशिप डिफेंड करती है नाया जैक्स के अगेंस्ट, और इस मैच में रांडा राउजी नाया जैक्स को सबमिट करवा देती है और अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर जाती है। तो ये वो मैचेस थे जो कि हमें आज के लाइव इवेंट में देखने को मिले। तो गाइस कमेंट करके बताना आपके क्या थॉट्स हैं आज के लाइव इवेंट के मैचेस के रिजल्ट्स को लेकर, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे आपको WWE के रेगुलर अपडेट्स, न्यूज, रूमर्स, प्रेडिक्शंस और इंटरेस्टिंग ओपिनियन जानने को मिलते रहे। सो गाइस बी सेफ, टेक केयर, टिल नेक्स्ट वीडियो।